नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार जारी रखा। अमेरिका में दी गई राहुल की स्पीच को लेकर जनता राहुल को कभी स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा डिप्टी सीएम ने अपने बयान में कहा। बता दें कि अमेरिका में राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति पीएम मोदी की नीति पर सवाल उठाए हैं। देखिए, विदेशी धरती पर जिस ढंग से उन्होंने भारत माता के प्रति अपना दुष्प्रचार जारी रखा है, बहुत ही दुखद है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और भारत के लोग कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये बहुत ही दुखद है कि भारत में रहने वाला एक इंसान और भारत माता को विदेश की धरती पर जाकर के इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें, ये हिंदुस्तान के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनको खुद पता है, वो डिरेल्ड हो चुके हैं। उनको इस समय कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जनाधार उनका धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। जानकारी में आया है और सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। जांच हो रही, परिणाम आएगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। रायबरेली के लालगंज स्थित आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना ने गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने को लेकर बड़ी कार्ययोजना पर तैयारी की है। इस कार्ययोजना को अमल में लाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने से मथना नाम का बड़ा नाला गुजरता है। महाप्रबंधक श्री पी के मिश्रा जी ने एमसीएफ को और आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए एक बड़ी कार्ययोजना पे काम शुरू किया है और काम करने के लोगों को आदेशित किया है कि यहाँ से होकर जो गुजर रहा है मथाना नाला है, ये यहाँ से निकल करके और आगे आगे गंगा नदी में प्रवाहित होता है। तो महाप्रबंधक महोदय का यह ऐसा सोच है और उनकी ऐसी प्लानिंग है कि जो ये पानी यहाँ इसमें से जाए वो वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा एकदम शुद्ध और परिष्कृत करके नाले में गिरे, इससे हमारी माँ गंगा को प्रदूषण से बचाया जा सके। इसके साथ साथ ही महाप्रबंधक महोदय ने ऐसा निर्देशित किया कि आने वाले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लगभग 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य सभी अधिकारियों कर्मचारियों को दिया है और हम लोग प्रयासरत हैं कि इस लक्ष्य को हम लोग इस 5 जून को और पूरा कर सकें। हमारे कानपुर देहात में स्ट्रीट वेंडर वाले लोगों में स्वनिधि योजना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और जिलाधिकारी नेहा जैन ने इको पार्क में दीप प्रज्वलित कर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान रेहड़ी पटरी वालों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया है। 1 जून को जो पीएम स्वनिधि का जो कार्यक्रम है, जिसमें जो रेहड़ी पटरी के जो हमारे विक्रेता रहते हैं उनको अक्सर लोन नहीं मिलता, बस कोलैटरल नहीं रहता था, कोई ज़मीन नहीं रहती थी। ये प्रयास करते हुए स्वनिधि का प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, उसमें पहले ट्रांच में 10,000 रुपये का जो लोन है वो कोलैटरल फ्री और गारंटी लोन है, CGDMSME से कवर्ड रहता है लोन। तो यहाँ और जितने भी लाभार्थी हैं हमारे जनपद में 3,670 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको 10,000 रुपये का लोन मिला है, और अगर 10,000 का लोन टाइमली पे करते हैं तो उनको वापस भी 10,000 से कम रुपए करने पड़ते हैं, मतलब कि मुफ्त का लोन, सब्सिडाइज लोन मिलता है। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में उन लोगों ने छोटे छोटे व्यापारियों से जोड़ा है जो कि अपना काम शुरू कर रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़े पैसों की आवश्यकता पड़ती थी, जब साहूकार के पास किसी को जाने की जरूरत नहीं है और किसी से कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वनिधि योजना के अंतर्गत वो अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं बिना किसी ब्याज के। ये जो लोन अदा करते हैं उसके बाद से 10,000 और उसके बाद 20,000 फिर 50,000, इस तरह से आत्मनिर्भरता के कदम में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये जरूर कहेंगे कि अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद हृदय से अदा करते हुए ये कहेंगे उन गरीबों की बात उन्होंने सुनी जिनकी बात कोई अभी नहीं सुन सकता। कोविड काल से ये प्रारंभ हुआ था और बहुत आगे सक्सेस की तरफ जा रहा है, तो सभी लोग मोदी जी का धन्यवाद अदा करते हैं और यहाँ पर 3,500 लोगों को प्रथम किस्त मिली है और बाकी
जनपद हापुड़ पुलिस के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और अवैध पशु कटान करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हापुड़ नगर पुलिस ने पशु कटान करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने भैंस का मांस और पशु कटान के उपकरण भी बरामद किए हैं। कन्नौज से खबर है, बताते चले कि कानपुर से गुरसहायगंज की तरफ जा रहे डीसीएम और गुरसहायगंज की तरफ से कानपुर की ओर जा रहे ट्रक में टक्कर हो गई। इस दौरान इस टक्कर से डीसीएम और ट्रक दोनों गहरी खाई में जा गिरे। इस दौरान दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हालांकि मौके पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया था और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती भी करा दिया था। रायबरेली में अज्ञात कारणों से लगी आग से 3 दुकानें जलकर राख हो गईं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टुकड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बता दें कि यह पूरा मामला लालगंज थाना इलाके के बेहटा चौराहे का है। ये दुकान में आग लग गई। कैसे? ये सब लोग गांजा पी पी के बाहर टेम्पो स्टैंड के सब लोग इधर फेंकते रहते, दिन भर गांजा पीते लोग, और इसी वजह से आग लगी है और सब सामान पूरा जल गया है। कम से कम नहीं 60-70 हज़ार का पूरा सामान जल गया, पूरी घुमटी जल गई। लखीमपुर खीरी के थाना गोला के अंतर्गत 3 नाबालिग लड़कियों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से इलाके भर में सनसनी मच गई। हालांकि पीड़ितों ने कोतवाली में जाकर तहरीर दे दी थी, जिसके बाद से पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें ये ग्राम रेंग नगर ग्रंथ का मामला है जो थाना गोला के अंतर्गत है, जहां 3 लड़के गायब हैं। ये लड़कियां आदिजाति की हैं और जिस पर आरोप है, जो लड़के भगा के ले गया है, वो करण नाम का आरोपी है, जिसका वो भी अनुजाति का है। इसकी तहरीर थाने प्राप्त हुई, सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है और सीओ गोला साहब के नेतृत्व में 3 टीम गठित है और रवाना कर दी गई है ताकि आरोपी की गिरफ्तारी हो, लड़की को बरामदगी हो। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सिटी क्लब में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची तो वहीं डीएम दिव्या मित्तल ने जमीन पर बैठकर रेहड़ी पटरी वालों की समस्याएं सुनी और जल्द निस्तारण की बात भी कही है। देखिए, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जिसमें हमारे छोटे रेहड़ी पटरी के जो पथ विक्रेता है उनके लिए कोरोना काल में शुरू हुई थी और उसके आज 3 वर्ष पूर्ण हुए, उसी के क्रम में ये महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो अपने पैरों पे खड़े होकर स्वयं अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको एक हम लोग एक एनकरेजमेंट दे पाए और उनको देख करके और लोग जो स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं वो भी इन सरकारी योजनाओं का जो ऋण हमारे द्वारा दिया जाता है, बैंक द्वारा दिया जाता है, उसका उपभोग करते हुए एक अच्छा जीवन अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाए। साथ ही में इस कार्यक्रम का ये भी उद्देश्य था कि जो व्यक्ति 10,000 का पहला ऋण वापस करते हैं उसके बाद 20,000 के ऋण की व्यवस्था और 20,000 का वापस करने में 50,000 के ऋण की व्यवस्था है। 50,000 रुपया एक ठीक रकम होती है जिससे कोई भी व्यक्ति अपना एक अच्छा छोटा बिजनेस शुरू कर सकता है। इसके लिए बस आवश्यकता है कुछ जागरूकता की और ये लोग अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, हिम्मत करते हुए जैसे अभी तक बढ़ रहे हैं वैसे और आगे बढ़े, उसी का ये कार्यक्रम का उद्देश्य। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना महोत्सव के आयोजन में आज यहाँ पर जिले के अंदर जितने भी हमारे पथ विक्रेता और रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं जो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं वो सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे मिर्जापुर जनपद में स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का ऋण लेने वालों की संख्या 6,000 से अधिक है, 20,000 का ऋण लेने वालों की संख्या लगभग 1,200 से अधिक है और 50,000 का ऋण लेने वालों की संख्या भी 50 से अधिक है। हमारी कोशिश है कि आज इस आयोजन के माध्यम से हम अपने
हमारे स्वनिधि योजना के जो रेहड़ी पत्री दुकानदार कारोबारी जो हमारे लाभार्थी हैं उनको भारत सरकार की अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित करें और इसके साथ ही स्वनिधि योजना के तहत वो और भी अधिक लाभ उठाएं और जो नए पथ विक्रेता हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है उनको भी प्रेरित करें इस आयोजन के माध्यम से, हमारी यही कोशिश है। रायबरेली विकास प्राधिकरण की मनमानी से इन्वेस्टर समिट के निवेशक को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही। पैसा जमा कराने के बाद भी रायबरेली विकास प्राधिकरण निवेशकों को कब्जा नहीं दे पा रहा है। विकास प्राधिकरण के द्वारा लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सुयश रेस्टोरेंट के पास स्थित जमीन का ये मामला है जहां विकास प्राधिकरण ने मनोज कुमार पांडे को एकता विहार आवास योजना में व्यावसायिक भूखंड को 25% धनराशि लगभग 53 लाख रुपए जमा कराने के बाद कब्जा देने की बात कही थी। निवेशक मनोज कुमार पांडे ने धनराशि विकास प्राधिकरण को जमा करा दी। उसके बाद विकास प्राधिकरण आज तक उपरोक्त जमीन से ना तो अतिक्रमण हटा पाया ना ही निवेशक मनोज पांडे को जमीन पर कब्जा दे पाया है। आज से 8 वर्ष पूर्व RDA ने ये व्यवसायिक प्लाट मेरे पक्ष में अलाट किया था, जिसकी कंडीशन ये थी कि 25% पैसा इसमें जमा कराना था। मैंने 25% से ज़्यादा पैसा जमा करा दिया, उसके बाद भी RDA ने आज तक इसमें मेरे को कब्जा नहीं दिया। कितना पैसा लमसम जमा कराया आपने? 53 से 54 लाख रुपए मैंने जमा कराया है और मैं RDA को आज तक कम से कम 40 से 50 प्रार्थना पत्र दे चुका हूं, लेकिन RDA के सचिव जो एम अहमद है वो हर बार मेरे को ये कहते हैं कि RDA ये कब्जा नहीं हटा पाएगा क्योंकि वो सामने वाली ज़मीन NHAI की है और मुझे हमेशा मिसगाइड किया जाता है। मेरा निवेदन ये है जिला अधिकारी महोदय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि ये इन्वेस्टर समिट में भी मेरा रजिस्ट्रेशन है और हाई कोर्ट से जो इनका स्टे वैकेंट हुआ उसके बाद भी RDA इसका अभी तक इसका अतिक्रमण नहीं हटा पा रही है, इसका एक्रोचमेंट नहीं हटा पा रही है। मुझे ये पता चला है कि किराए के रूप में RDA के अधिकारियों को यहाँ से किराया वसूला जाता है, इसलिए RDA के अधिकारी इसको खाली कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और जब भी मैं जाता हूँ तो बताते हैं NHAI की ज़मीन है, इसकी ज़मीन है, आप पैसा जमा करा दो तब हम कराएंगे। मेरा कहना ये है कि आप इसको खाली कराइए और जो मैंने इसको जो ज़मीन के लिए बचा हुआ पैसा है आप मुझे बताइए ब्याज माफ़ करते हुए, उसको मैं 15 दिन के भीतर जमा कराने के लिए। तो वहीं कानपुर देहात में लुटेरों ने कानपुर देहात पुलिस को खुली चुनौती दी है। दरअसल दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बताते चले कि बाइक सवार पिता पुत्र से बदमाशों ने लाखों रुपए यानी 1 लाख से अधिक रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट की घटना हालांकि CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बता दें आपको कि दिनदहाड़े हुए लूट की घटना से इलाके में सनसनी का माहौल देखा गया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। लुटेरों की तलाश लगातार जारी है। अकबरपुर के माथी रोड में PNB बैंक से नरिया गांव के निवासी गौरव और उनके पिता करण सिंह जी 1 लाख रुपए अपने मकान निर्माण के लिए निकाल करके जा रहे थे। बैंक से लगभग 100 मीटर दूरी पर वो पानी के बताशे खाने लगे। उसी समय नीले अपाचे पे दो सवार जिनमें अगले व्यक्ति ने हेलमेट और पीछे ने मुंह ढक रखा था पीछे से छीन करके उनके वो पैसे 1 लाख रुपए छीन लिए। निश्चित रूप से पुलिस की मौजूदगी रही है और इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सारी टीमें हमारी एक्टिव हो गई जो अपने अपने काम को अपनी विशेषज्ञता के आधार पर करेंगी। सर बैंक से चोरी हुई, बैंक से पैसे लेके निकले हैं और रास्ते में चोरी। क्या 1 लाख रुपए थे हमारे पास, पापा लिए थे, बाइक सवार दो लोग आए छीन के भाग गए। विरोध नहीं किया था पुलिस वुलिस सारी आई है। हथियार वगैरह कुछ नहीं दिखाया। धक्का मारा मेरे को बाइक गिर गई और वो छीन के।
रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने घर के अंदर फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी। ये मामला शिवगढ़ के गुमावा गांव का है, जहां पंकज शुक्ला का घर के अंदर फांसी के फंदे से झूलता हुआ शव बरामद हुआ और जैसे ही इस घटना की जानकारी परिवार वालों को मिली, परिवार में मानो कोहराम मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। एक पंकज शुक्ला नाम का है, मरीज है, मरीज क्या बॉडी है लेकिन मृत अवस्था में पाई गई है, उस पर गले में निशान पाए गए। सर ये कितने समय आए हुए थे? ये लगभग 10:45 के पास आस। अब कहाँ है? अभी मैंने उनको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। अच्छा, तो यहाँ जब आए हुए थे तो उनकी मृत अवस्था में आए हैं? मृत अवस्था में। गले पे कोई? रायबरेली में प्रधानमंत्री श्रमिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। शहर के फिरोज गांधी सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकिता जैन, एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। एडीएम प्रशासन ने बताया कि इस मेले में ऐसे लाभार्थी पहुंचे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री श्रमिक योजना के तहत लिए गए ऋण की अदायगी समय से की है। ऐसे लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया है। असल आज प्रधानमंत्री ये जो स्वनिधि महोत्सव चल रहा है, इस महोत्सव में जो हमारी स्वनिधि योजना चल रही है, भारत सरकार की योजना है ये, इसके तहत आज यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में कई जो इस स्वनिधि योजना के और साथ में इससे जुड़ी हुई अन्य विभिन्न योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों को यहां पर बुलाया गया है। स्वनिधि योजना के तहत जिन लोगों ने डिजिटली अच्छा लेन देन किया है ऋण का, उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। जिन लोगों ने ऋण को वापस अच्छे से किया है उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही आज यहाँ पर स्टॉल लगवाया गया है जहाँ से जिन लोगों ने ऋण के लिए आवेदन किया था ऐसे लोगों को यहाँ से ऋण वितरित भी करवाया जा रहा है, उसका सेंक्शन सर्टिफिकेट दिलाया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा और बहुत प्रोत्साहित करने वाला आज का ये आयोजन रहा है। असल और गुरु कृपा सेवा संस्था की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, डूडा जो हमारे यहाँ है विकास भवन में, उसका हम लोगों ने एक समूह बनाने का काम लिया है। तो हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं एक साथ में। सरकार की सुविधा कितनी कारगर है महिलाओं की? ये अब जो चल रही है आजकल ये बहुत बढ़िया योजना है, क्योंकि हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह तो बहुत दिन से चल रहे हैं, लेकिन अब इस समय जो चल रहा है स्वयं सहायता समूह, इसमें महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया जा रहा, वो सबसे ज़्यादा तो सम्मान तो हर जगह मिलता है लेकिन इतना सम्मान इस सरकार में जो मिला है वो कभी भी नहीं मिला। जी हमारी चूड़ी की शॉप है। और इस तरह से जो क्या मदद मिलती है इस तरह के जो रोजगार चला रही है, इससे ये मदद हमको मिलती है कि हमारा जो आगे का जो काम है वो सब हमारा पूरा हुआ है, व्यापार बढ़ा हुआ है। गोरखपुर के इंगहा थाना क्षेत्र के बोहाबार के रहने वाले जिगर साहनी ने अपने भाई किशन साहनी की प्रेम प्रसंग में हत्या के मामले में गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुशील चंद्र साहनी ने बताया कि बीते दिनों जिगर साहनी के भाई का प्रेम प्रसंग गांव के एक युवक की बेटी से चल रहा था, जिसकी जानकारी पाकर मार्च माह में दबंग घर पर आए और गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देकर चले गए और अब युवक की हत्या कर दी गई। एक मुकदमा जो है क्राइम नंबर 215/23 थाना जंगम दर्ज हुआ है। एक होनहार बच्चे किशन साहनी की हत्या कर दी गई और मुलजिमों की अभी तक गिरफ्तारी थाना जंगम पुलिस द्वारा नहीं की गई। एडीजी महोदय से हम लोग मिलकर 29 मई को इस संबंध में प्रार्थना पत्र देकर जन सुनवाई कार्यालय में उनके अवगत कराया गया था कि मुलजिमानों अगर गिरफ्तारी 72 घंटे के भीतर नहीं की गई तो हम लोग क्रमिक अनशन
कर ज्ञापन देंगे। उसी क्रम में निषाद युवा वाहिनी संगठन द्वारा क्रमिक अनशन कर मृतक परिवार के साथ ज्ञापन आज प्रेषित किया गया। एक मौका लोगों के सहयोग से अगर आप जानकारी दोगे पुलिस जल्दी पकड़ लेगी। रायबरेली में दलित युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। ये मामला डीह थाना क्षेत्र का है, जहां दलित युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसके द्वारा कहा गया है कि जैकी नाम के युवक ने उसे बहला फुसला कर घर से पहले भगाया और अपने साथ किराए के मकान में रखा, उसके साथ एक साल तक संबंध बनाए और उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद महिला ने हालांकि एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। रहने वाले हैं, समस्या सर हमारी यही है कि जैकी सोनी हमको पहला फुसला कर वहाँ से भगा ले आया और यहाँ किराए के मकान पर लेकर लगातार रहने लगा। एक साल तक हम उसके साथ थे और लगातार हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए और हमको मारता पीटता था, कमरे में बंद कमरे में छोड़कर चला जाता था, बहुत टॉर्चर करता था। और कुछ दिन पहले हमको वो छोड़ कर आया, दो महीने पहले हमको छोड़ कर आया वो घर, बोला हम कुछ काम से जा रहे हैं और हमने बोला ठीक है। जब वहाँ से हम बोले कहाँ पे हो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कॉल करते थे कट कर देता था, कोई वो नहीं करता था। उसके बाद जब हम पूछते उसके यहाँ पहुँचे तो उसके घर वालों ने हमको बहुत मारा और उसी प्रेगनेंसी में जैकी ने हमको कोल्ड ड्रिंक में दवा मिला कर पिलाई भी थी।